करेंगे एंड आई होप आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 अमेजिंग हेयर केयर हैक्स। समर आते ही हमारे बालों में बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि हमारी हेयर रूट्स क्रीजी हो जाती है, हमारी स्कैल्प ऑयली हो जाती है, बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, सन डैमेज हो जाता है, स्प्लिट एंड्स, ब्रेकेज। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ अमेजिंग हेयर केयर हैक्स जो कम से कम टाइम में, कम से कम मेहनत में आप अपने बालों को बना सकते हो हेल्दी, शाइनी, सिल्की। सो आज की वीडियो होने वाली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, लाइक करना है इस वीडियो को एंड मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और जो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन आए। सो विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन हैक है फॉर डैंड्रफ। समर आते ही हमारी जो स्कैल्प होती है वो स्वेटी हो जाती है, जिस वजह से वहाँ का बिल्डअप भी बढ़ जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, वहाँ पे धूल मिट्टी एंड जितने भी एयर पॉल्यूटेंट्स है वो जाके स्टिक हो जाते हैं। सो आपको क्या करना है, जब भी आप हेयर वॉश करो उससे पहले आप एक बार अपनी स्कैल्प को अच्छे से एक्सफोलिएट कर लो। मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक अमेजिंग DIY हेयर एक्सफोलिएटर, इससे आपकी जो स्कैल्प होगी वो अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाएगी, जिससे वहाँ का जितना भी डैंड्रफ है, बिल्डअप है, वो क्लीन हो जाएगा। आपको लेना है बेसन, 2 बड़े चम्मच बेसन ले लेना, उसमें ऐड करना 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद बन जाएगा 2 इंग्रेडिएंट्स वेरी इजी DIY हेयर एक्सफोलिएटर। इस मेथड को आपको फॉलो करना है हेयर वॉश करने से पहले। थोड़ा सा आप ये DIY हेयर एक्सफोलिएटर ले लीजिए, इसमें ऐड करिए वाटर। DIY हेयर एक्सफोलिएटर को आपको सिर्फ अपनी हेयर स्कैल्प पे मसाज करना है, आपको फुल ऑल ओवर हेयर पे नहीं लगाना है। तो इसको करने के बाद आप अपना कोई भी फेवरेट शैम्पू एंड कंडीशनर से हेयर वॉश कर सकते हैं, और फिर आपकी बिल्डअप भी कम हो जाएगा और डैंड्रफ भी नहीं दिखेगा एंड जितने भी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे बालों में आ जाते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। और आप हेयर वॉश करने के बाद नोटिस करोगे कि आपकी जो हेयर है, जो स्कैल्प है, वो पहले से मोर क्लीन लगेगी, जैसे आप यूजुअली जो शैम्पू एंड कंडीशनर करते हो उससे मोर क्लीन लगेगी, मोर इवन लगेगी एंड मोर हेल्दी भी लगेगी। आजकल की इस हेक्टिक लाइफ में हेयर केयर करना हो गया है बहुत ही मुश्किल। दिन भर में हमारे बालों को कितना डैमेज झेलना पड़ता है, जिससे हेयर फॉल हो जाता है, प्री मैच्योर ग्रे हेयर दिखने लगते हैं, बाल ड्राई और फ्रीजी हो जाते हैं। इस वजह से हम कितनी सारी चीजें ट्राई करते हैं, होम रेमेडीज भी ट्राई करते हैं, बट आजकल लोग इतना बिजी हो रखे हैं कि उन्हें ये सब करने का टाइम नहीं मिलता है। तो मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग चीज है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, जो कि सॉल्व करेगा आपके सारे हेयर इशू। ये है शेषा हेयर केयर जूस, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन। शेषा एक आयुर्वेदिक ब्रांड है सिंस 1996 मेड इन इंडिया, जिनके प्रोडक्ट्स होते हैं फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। मैं इस हेयर केयर जूस को काफी लंबे टाइम से यूज कर रही हूँ, मैंने सोचा इस अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। इस प्रोडक्ट में है आमला, भृंगराज, दरु हरिद्रा, एलोवेरा जैसे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स। इम्प्रेसिव बात यह है कि इस प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का वाटर, शुगर, कलर और फ्लेवर एडिड नहीं है। इसे यूज करने से पहले आपको इसे शेक करना है अच्छे से। 30 ml जूस आपको एक ग्लास पानी में मिक्स करना है एंड कंज्यूम कर लेना है दिन में 2 बार, 1 hour बिफोर मील फॉर बेटर रिजल्ट्स। इट हेल्प्स टू कंट्रोल हेयर फॉल एंड हेल्प्स टू बूस्ट योर हेयर ग्रोथ। साथ ही साथ जब आपके हेयर ग्रे होने लगते हैं उसको टैकल करने में भी हेल्प करता है, आपके बालों को बनाएगा हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ये प्रोडक्ट है वीगन, GMP सर्टिफाइड, 100% सेफ टू कंज्यूम एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कूपन कोड मेंशन ऑन द स्क्रीन फॉर द एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट। इस प्रोडक्ट की लिंक्स एंड डिटेल्स होंगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक करना मत भूलना। गाइस जब भी हम बाहर जाते हैं तो बाहर सन का एक्सपोजर होता है एंड सन के एक्सपोजर से हमारे बालों को काफी ज्यादा डैमेज देखने को मिलता है एंड समर्स में तो भाई इतना ज्यादा डैमेज देखने को मिलता है, और स्कैल्प भी आपकी स्वेटी हो जाती है, बहुत ही फ्रिजी बाल हो जाते हैं। जब भी आप बाहर जाते हैं तो चेहरे पे सनस्क्रीन लगाते हैं टू प्रोटेक्ट योर फेस फ्रॉम सन, बट बालों के साथ क्या करते हैं, बालों के साथ कोई आप सोल्यूशन करते हैं, कुछ आप लगा के जाते हैं, नहीं लगा के जाते ना? तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही फटाफट वाला हेयर मिस्ट, जिसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं उससे पहले लगा लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए एंड आप स्प्रे कर सकते हैं। जब भी आपके बाल ड्राई और डल फील करें तो अपनी स्कैल्प पे भी स्प्रे कर सकते हैं एंड अपनी फुल लेंथ पे भी स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है, इसे बनाना है सुपर इजी। आपको लेना है 1 नींबू का रस, उसमें आपको ऐड करना है एलोवेरा जेल 2 बड़े चम्मच एंड उसमें आपको ऐड करना है 1/2 कप डिस्टिल्ड वाटर। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप किसी स्प्रे बॉटल में रख सकते हैं, जिससे कि इसका एप्लीकेशन इजी हो जाए। अप्लाई करने से पहले इसे हर बारी शेक करना है एंड जब भी आप बाहर जाएं तो इसे आप लगा जाएं, और इसके रिजल्ट्स एकदम इंस्टेंट होंगे। साथ ही साथ आपके बाल जो हैं वो सन से भी प्रोटेक्टिव रहेंगे, क्योंकि इसमें एलोवेरा है। एलोवेरा आपके बालों को नरिश बनाने में हेल्प करता है। गर्मियों में हमारी स्कैल्प बेहद ऑयली हो जाती है एंड ऑयली स्कैल्प बर्थ देती है बहुत सारे हेयर इश्यूज को, जिसके साथ टैकल करना हो जाता है काफी मुश्किल। आपके बाल बहुत फ्रीजी हो जाते हैं, तो इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही क्विक हैक है। आप एक DIY हेयर मास्क बना सकते हो, इसे आप लगा सकते हो महीने में 1 से 2 बार। 1 से 2 बार लगाना इनफ है, जिससे आपके हेयर हेल्दी भी रहेंगे, फ्रिज फ्री रहेंगे, आपकी जो स्कैल्प में एक्सेस ऑयल है वो भी बिल्डअप नहीं होगा, आपकी जो स्कैल्प है वो बहुत जल्दी जल्दी स्वेटी भी नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है दही
दही, दही आपको थिक लेना है, जो थिक योगर्ट है ये मैंने फ्रेश कर्ड लिया है घर में बना हुआ। इसमें मैंने ऐड किया है लेमन जूस, लेमन जूस आपके जो भी बालों में डैंड्रफ वगैरह है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है कोकोनट ऑयल, आप अपना कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करता हो, आलमंड ऑयल भी हो सकता है, वो कास्टर ऑयल भी हो सकता है, जो भी आपको सूट करता हो। यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, उन इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है एंड अपनी हेयर स्कैल्प पे लगाना है और अपनी ऑल ओवर पूरी हेयर लेंथ पे लगाना है। एंड्स को बिल्कुल नहीं भूलना क्योंकि एंड्स होते हैं सुपर ड्राई, इससे आपकी स्कैल्प बहुत जल्दी जल्दी ऑयली भी नहीं होगी, स्वेट भी कम बिल्डअप होगा, आपके हेयर फ्रिज फ्री रहेंगे एंड ये आपको बालों को बहुत ही सॉफ्ट एंड नरिश्ड बनाएगा। इस हेयर मास्क लगाने से आपके बालों की शाइन भी बरकरार रहेगी। इसे आप शैम्पू कंडीशनर करने के बाद भी लगा सकते हो या फिर आप शैम्पू करने से पहले भी लगा सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, जैसे भी आपको फेवरेबल लगे वैसे आप लगा लेना। करते हैं हेयर वॉश हमें हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए। गाइस हफ्ते में हेयर वॉश एक बार ही काफी होता है, या फिर आप बहुत ज्यादा बाहर निकलते हो, आउटडोर रहते हो, वर्किंग वुमन हो, जॉब करते हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 बार कर लेना चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं करना चाहिए। भले ही आपके छोटे बाल हो लंबे बाल हो, आपको 2 बारी से ज्यादा हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। अगर आप सोचते हो हम ज्यादा ज्यादा हेयर वॉश करेंगे, रोज रोज हेयर वॉश करते हो, या फिर आपके बहुत छोटे बाल है, आप सोचते हो बाल क्लीन हो जाएंगे, बालों के लिए अच्छा होगा, तो डियो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप जितना ज्यादा वॉश करोगे वो आपके हेयर के लिए उतना ही ज्यादा हार्मफुल होता है। अगर आप ज्यादा फ्रिक्वेंट हेयर वॉशिंग करते हो तो आपके बाल मोर ड्रायर साइड पर चले जाते हैं, आपके बालों में केमिकल्स ज्यादा आ जाता है, हेयर रूट्स आपकी ब्रेक हो जाती हैं, आपके बाल फ्रिजी भी हो जाते हैं, एट द सेम टाइम आपके बालों के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ऑलवेज रिमेम्बर लेस इज ऑलवेज बेस्ट। आपके बालों को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए, आपके बालों को जितनी केयर चाहिए वो ही मिलना चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा मिलने लगेगी तो आपके बाल भी खराब होने लगेंगे। नेक्स्ट है क्या फॉर स्प्लिट एंड्स। स्प्लिट एंड्स के लिए लोग यही करते हैं कि बालों की ट्रिमिंग करा लेते हैं, यही एक बेस्ट वे है स्प्लिट एंड से छुटकारा पाने का। तो जैसे मैं आपको वीडियो में करके बता रही हूँ, आपको सेम वैसे ही करके स्प्लिट एंड्स आपको हटा लेने हैं। आप सीजर की हेल्प से इजीली सेल्फ स्प्लिट एंड्स भी हटा सकते हो, आपको किसी और की नीड नहीं पड़ेगी। स्प्लिट एंड से बाल काफी रफ और ड्राई दिखते हैं एंड एट द सेम टाइम बालों की जो खूबसूरती है वो भी कम हो जाती है। स्प्लिट एंड्स हटाने के बाद आप अपने हेयर एंड पे एलोवेरा जेल लगा लेना। जो हमारा हेयर का एंड होता है वो काफी ज्यादा ड्राई और रफ होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा डैमेज से गुजर चुका है, उसकी हमें केयर थोड़ी सी करनी चाहिए। तो स्प्लिट एंड्स हटाने के बाद थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लेना, इससे आपके बाल नरिश्ड भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे और आपके जो हेयर एंड्स है वो बहुत ही ज्यादा फ्रिजी और ड्राई नहीं लगेगी देखने में। गाइस जब भी हम सोने जाते हैं तो हम अपना नाइट स्किन केयर रूटीन करते हैं, हम अपनी स्किन को एकदम से अच्छे से प्रेप करते हैं बिफोर स्लीपिंग, बट वंस अगेन हम अपने हेयर केयर को निग्लेक्ट कर देते हैं, हम उसे थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं एंड हम ऐसे ही सो जाते हैं। बट इससे आपको पता है आपके बालों को और भी ज्यादा डैमेज देखने को मिलेगा, इससे आपके बाल बहुत ड्राई हो जाएंगे। तो अगर आप अपनी स्किन के केयर करते हैं तो हेयर केयर क्यों नहीं कर सकते। अगर आपको स्किन के केयर में 5 मिनट लग रहा है तो हेयर केयर में बहुत ही कम टाइम लगेगा, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है, सोने से पहले थोड़ा सा अपने पाम पे आपको जो भी आप ऑयल यूज करते हो वो लेना है, थोड़ा सा लेना है, बहुत ही ज्यादा आपको नहीं डालना है वरना फिर आपके बाल बहुत ही ज्यादा ऑयली हो जाएंगे। कुछ ड्रॉप डाल के उसे अच्छे से अपने फिंगर्स के बीच में रब करना है एंड अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज देनी है। इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन लेवल प्रमोट होगा, ब्लड सर्कुलेशन लेवल जब प्रमोट होता है तो हमारे काफी हेयर इश्यूज हील होने में हेल्प मिलती है, जल्दी हील अप हो जाते हैं। एंड जो आपके पाम पे रेस्ट ऑयल जो बच जाएगा उसे लेके आपको अपने एक बार पूरे बालों में से फेर लेना है। इससे क्या होगा, बाल आपके मोर ड्रायर साइड पर ना रह के थोड़े से नॉर्मल होने लग जाएंगे, क्योंकि रात का टाइम ऐसा होता है आपकी पूरी बॉडी कंप्लीट रेस्ट करती है तो जल्दी हील होने में हेल्प मिलती है। एंड आपको जो हेयर के एंड होते हैं वो काफी रफ और ड्राई होते हैं, वहां पे आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेके अच्छे से लगा लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है क्योंकि जब आप सुबह उठोगे तो आपके बाल बहुत ऑयली ऑयली लगेंगे। थोड़ा सा लेके अपने सिर्फ हेयर एंड्स पे लगा लेना, इससे आपके जो हेयर एंड्स है वो फ्रिज फ्री रहेंगे एंड एट द सेम टाइम वो जगह भी बहुत ही शाइनी एंड नरिश्ड रहेगी। ओके गाइस, तो यही थे मेरे कुछ समर हेयर केयर हैक्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, उन्हें भी पता लगना चाहिए इस समर में हम अपनी हेयर की केयर और देखभाल कैसे करें, फैमिली के साथ शेयर कर देना एंड या सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं नया नया वीडियो डालती हूँ ना आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।